हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। मैं रचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमारा वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो चुका था, कार्बोकैटायन की प्रिपरेशन देख ली थी हम लोगों ने, कैसे कैसे फॉर्म होता है। आज हम उसी चीज़ को आगे करेंगे, हम नेम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं आज। आज हम जो भी कार्बोकैटायन्स के जितनी भी इंक्लूड नेम रिएक्शंस है उसके बारे में सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे नेम रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट्स है वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वहाँ पे। सो, क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाएँ। तो गाइज़, एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके गाइज, तो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि मैम सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो मैं आज उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाइए, एंड देन आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है, जो कि आप लोगों को सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पर सेकेंड स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, आपको ये डाउनलोड करना है। ओके, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट योर गोल, आपका जो कि आपका गोल सेलेक्ट करना है, जो कि है आपका CSIR UGC नेट, राइट। जैसे ही आप ये गोल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ये आपका स्टेप वन हो जाता है। उसके बाद में आप लोगों के पास यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा गेट सब्सक्रिप्शन का। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान दिख रहा होगा, आप लोगों की स्लाइड पे आप लोगों को सामने दिख रहा है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान दिख रहा है आप लोगों का, 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी, आप लोगों के 6 मंथ का भी है, 12 का भी है, 24 मंथ का भी है। मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप 12 या 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग देखिए पर मंथ जहाँ 6 मंथ, अगर आप 6 मंथ का लेते हैं, अगर एक बार के लिए मान भी लीजिए अगर आप 6 मंथ का लेते हैं, तो 6 मंथ पर मंथ आप लोगों को 1400 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, जबकि आप 12 मंथ का ले रहे हैं तो पर मंथ आपका 875 रुपीज़ ही आप लोगों के यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ये रहेगा। और अगर कई टॉपिक्स हमारे ऐसे रहते हैं गाइस, जो आप लोगों को कम समझ में आते हैं या फिर क्लियर नहीं हो पाते अच्छे से, तो अगर आप लोगों के पास 12 महीने का टाइम आ जाएगा, जो कि हम 6 महीने, आप लोगों को अच्छे से पता है कि CSIR नेट ले लो या UGC नेट ले लो, वो हर 6 मंथ में आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो ज़रूरी नहीं ना 6 महीने में हम 5 साल का कैसे कवर कर सकते हैं। तो वही चीज़ आ जाती है कि आप लोगों के पास अगर 12 महीने या 24 महीने का अगर आप लोगों के पास टाइम होगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ केमिकल साइंस की क्लासेज ही ले पाएंगे, अगर आप किसी और फील्ड में भी इंटरेस्ट रखते हैं, किसी और फील्ड में भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो CSIR नेट के अंडर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, आप लोगों का गोल क्या है, CSIR नेट, तो उसके अंडर जितने भी आप लोगों के पास सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो फिजिकल साइंस ले लो, चाहे केमिकल साइंस ले लो, चाहे आप लोगों का लाइफ साइंस ले लो, चाहे मैथमेटिक्स साइंस ले लो, आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आप हर जितने भी एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं CSIR नेट चैनल पे, आप उन सबकी क्लासेस ले सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। सो, जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया 12 मंथ का, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई रेफरल कोड है क्या। अगर आप लोग जैसे ही इस रेफरल कोड में रिचा लाइव, जो कि मेरा रेफरल कोड है, अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करते हैं, इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जहां आप लोगों के 10,500 रुपीज़ लग रहे थे बिना रेफरल कोड यूज़ करे, वहां आप लोगों के अब क्या लगेंगे, 9,450 रुपीज़ आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। और ये पेमेंट आप लोग कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, या फिर आप यहाँ पे हमारे EMI की भी फैसिलिटी, आप उसके अकॉर्डिंग भी पेमेंट कर सकते हो। तो गाइज, कोड मत भूलिएगा, रिचा लाइव ये कोड है। इस कोड को जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन में रेफरल कोड यूज़ करेंगे, जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस, जल्द से जल्द अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आप जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, और क्लासेस को जो अनअकैडमी ऐप पर होती है, स्पेशल क्लास होती है वहाँ पे, आप लोगों की प्लस क्लासेस भी होती है वहाँ पे, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे YouTube पे चलती है क्लासेस हमारी, वैसे वहाँ पे भी हम क्लासेस लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमारे क्लासेस लाइव देख पाएंगे। तो गाइस, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए।
ओके गाइस, तो आज मैंने आप लोगों को साथ डिस्कस कर लिया कि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, कौन कौन सा प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है, कैसे कैसे कौन सा प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। ओके, और कोड मत भूलिएगा जो कि है रिचा लाइव। सो ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन की बात कि कैसे लेते हैं, कैसे क्या यूज़ करना है, हमें कौन सा कोड लगाना है या हमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा। इसके बाद अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक आज चल रहा है सम नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की कुछ नेम रिएक्शंस है। ऐसे नहीं कि कार्बोकेटाइन से शुरू होती, कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट वहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिसपे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका रीअरेंजमेंट बोल दूँ या रिएक्शन बोल दूँ वो है नेम रिएक्शन आपकी पिनाकोल, पिनाकोल और रीअरेंजमेंट। आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, एमएससी में बहुत अच्छा टॉपिक बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पिनाकोल, पिनाकोल और रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये क्या होता है, इस पिनाकोल, पिनाकोल और रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वन टू डाईऑल कन्वर्सेशन कन्वर्जन भी बोलते हैं हम लोग, या विस डाईऑल कन्वर्जन भी बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं मोनोकिटोन विथ रीअरेंज कार्बन स्केलेटन। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक डाईऑल होता है जो कि वन टू पोजिशन पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उससे आप लोगों को किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पिनाकोल, पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ वन टू डाईऑल ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, या कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जो कि वन टू रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस अंडर एसिडिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन में होता है, एसिडिक कंडीशन। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ एसिडिक कंडीशन मैंने क्या लिए, तो एसिडिक कंडीशन हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके, तो बेसिकली हम यहाँ लेते हैं H2SO4 एंड PTSA, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, PTSA, या जिसको टोसाइल एसिड भी हम लोग कहते हैं, TSOH भी कहते हैं, राइट। तो ये बेसिकली कंडीशन हमारी यही होती है, एसिडिक मीडियम हम यही लेते हैं। उसके अलावा द नेम ऑफ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन कम्स फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ पिनाकोल टू पिनाकोल। इसका मतलब क्या होता है, पिनाकोल क्या है आप लोगों का, ऑल है, ऑल यानी एल्कोहल। पिनाकोल में कौन सा ग्रुप आता है आप लोगों का, अल्कोहल ग्रुप आता है। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, कार्बोनिल कंपाउंड बोलूँ या कीटोन फॉर्म बोलूँ, ठीक है, या आप लोग को कह सकते हो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक मीडियम मिलता है, जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलता है ये OH के जो लोन पेयर है वो कोई सा भी लोन पेयर हो सकता है, कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, इस पर अटैक करता है, और इस पर अटैक करने के बाद में H2O रिमूव होता है, और जैसे ही H2O रिमूव होता है फिर आप लोगों को क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और उस कार्बोकेटाइन में क्या होता है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो हम लोग रीअरेंजमेंट करवाते हैं, और रीअरेंजमेंट के बाद में हम क्या करते हैं, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है उसका उसको प्रोड्यूस करते हैं, और उसको वो बनने के बाद में क्या होता है, आप लोगों के जो स्ट्रक्चर बनती है उसको आप बेसिकली क्या बोलते हो, पिनाकोल और रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो अगर पिनाकोल को बोला जाए तो पिनाकोल को इन जनरल क्या बोलते हैं, वन टू डाईऑल या विस डाईऑल भी बोलते हैं। विस डाईऑल बहुत कॉमन नेम होता है इसका, विस डाईऑल बोलो या वन टू डाईऑल। वन टू डाईऑल आप लोग जो IUPAC नेम है उसमें ज़्यादा यूज होता है, और कॉमन नेम आप लोग बोलते हैं विस डाईऑल। और पिनाकोल आप लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रीअरेंजमेंट होता है उसमें आता है आप लोगों का पिनाकोल वर्ड यूज, जनरल आता है विस डाईऑल, और IUPAC में आप लोग यूज करते हो वन टू डाईऑल। ओके, अब पिनाकोलोन क्या होता है, एक मोनोकिटोन विथ रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन होता है। एक कीटोन होता है जो कि सिंगल पाया जाता है, और क्या होता है, जो कार्बन का जो स्केलेटन होता है जो हमें पिनाकोल में मिलता है, मतलब कार्बन की शिफ्टिंग हो जाती है। शिफ्टिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाता है। ओके, अब हम इसके रिएक्शन के ऊपर चलते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे फॉलो होती है। हमने क्या लिया, पिनाकोल लिया, हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, पिनाकोल लिया। जैसे ये पिनाकोल लिया या वन टू डाईऑल लिया, इसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, यानी H2SO4 ले लूँ या PTSA ले लूँ।
ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में आप लोगों की रिएक्शन होती है, क्या करते हैं एच प्लस का डोनेशन करते हैं। अब एच प्लस किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन है, दो आपके पास ऑक्सीजन है, दोनों सेम है, दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, इधर भी देखो तो दो सी एच थ्री के साथ जुड़ा हुआ है और उधर वाला ऑक्सीजन देखो तो वो भी दो सी एच थ्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट सेम है, तो ये हाइड्रोजन कोई से भी एक ऑक्सीजन के लोन पेयर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही इसने अटैक किया, उसके बाद में क्या हुआ, H2O का फॉर्मेशन हुआ, और H2O एक क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। H2O क्या है, लिविंग ग्रुप है आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे ही H2O बाहर निकला, H2O जैसे बाहर निकला, उसके बाद में हम लोगों को क्या मिला, एक कार्बोकेटाइन मिला। अब अगर आप लोगों को मैंने बता रखा होगा, रीअरेंजमेंट जब मैंने बताया था वहाँ पे शिफ्टिंग बताई थी, रिंग एक्सपेंशन बताया था और रिंग कॉन्ट्रैक्शन बताया था, तो जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ कम है, तो अब क्या करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, रीअरेंज करेंगे। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि रीअरेंज होने के बाद में कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा, तो हम लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे। हम लोगों ने रीअरेंजमेंट करवाया, क्या करवाया, मिथाइल का शिफ्टिंग करवाई, इस मिथाइल की शिफ्टिंग करवाई कहाँ पे, इस कार्बोकेटाइन पे। जैसे ही ये शिफ्टिंग हुई, तो ये जब शिफ्टिंग हो रही होती है तो ये कौन सी स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, या मैंने लिख रखा है RDS होती है, स्लो होती है, 1,2-methyl शिफ्ट होता है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनायनोट्रॉपिक या न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी इसे कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी इसे कहा जाता है। तो ये एक वर्ड है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, आप लोग समझ आया, एनायनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहूँ या न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट कहूँ, बात एक ही है। जैसे ही मिथाइल की शिफ्टिंग हुई, मिथाइल की शिफ्टिंग हुई तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कम हुई, जैसे ही वैलेंसी कम हुई तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है, मैंने क्या बोला, जब तक कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं मिलेगा, मोर स्टेबल अगर उसको नहीं मिलेगा तब तक वो शिफ्टिंग करेगा नहीं करेगा, तो मोर स्टेबिलिटी यहाँ कैसे आई, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर दिया, तो यहाँ पे क्या मिली, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबल बन रहा है, इसलिए मैंने क्या करवाया था, 1,2-methyl शिफ्ट करवाया था। जैसे ही हमने 1,2-methyl शिफ्ट करवाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक टाइम पे क्या करती है, ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रख पाता है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकाल देता है। जैसे ही हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में बाहर निकला, ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबल हो गया, कार्बन अपनी जगह स्टेबल हो गया, तो ये पिनाकोल से क्या मिला, आप लोगों को पिनाकोलन मिला, यानी मोनोकिटोन विथ रीअरेंज कार्बन स्केलेटन आप लोगों को मिला। अब बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जब आया तो आप लोगों को क्या मिला, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलना चाहिए, जो कार्बोकेटाइन आप लोग क्या कहेंगे, सब्सिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मिला आप लोगों को, क्या मिला, सब्सिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मिला। ये सब्सिट्यूटेड कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे ये जो आयन्स बने हैं ना ऑक्सीजन वाले, यानी एक बार तो ऑक्सीजन पे प्लस और एक बार ऑक्सीजन पे प्लस नहीं, OH बोल दो, या फिर आप लोग एक बार तो OH पे प्लस आ रहा है, एक बार OH पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, तो ये जो आयन्स बन रहे हैं, तो ये आयन्स, ये OH प्लस किसकी वजह से मिला, ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर दिया, तो इस आयन को मैं क्या बोलूँगी, ऑक्सोनियम आयन। ये आयन क्या कहलाएगा, अपने आप में एक ऑक्सोनियम आयन कहलाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज कमिंग बिफोर रेजोनेंस। रेजोनेंस से पहले क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, रेजोनेंस से पहले क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे रेजोनेंस हुआ, पॉजिटिव चार्ज चला गया, फिर वापस रेजोनेंस आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है उसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, ओके। तो ये आप लोगों की क्या कहलाएगी, ऑक्सोनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, माइग्रेटरी हमने एनायनोट्रॉपिक किसे बोला, स्लो स्टेप किसे बोला, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसे बोला, इसके अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइन हो जाती है आप लोगों की, ऑक्सोनियम आयन क्यों बना। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन से की पॉइंट्स है, या कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को ये पता चलेगा कि कब कौन सा शिफ्टिंग करवानी, यानी कब कौन सा रीअरेंजमेंट करवाना है, और ये रीअरेंजमेंट अगर कोई ड्राइविंग फोर्स आता है तो हम यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा फोर्स लगता है, या ऐसा कौन सा आप लोगों के ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है इसकी कि इसको रीअरेंजमेंट करवाना ही पड़ता है, बिना रीअरेंज कार्बन स्केलेटन इतना स्टेबल नहीं हो पाता है। तो अब हम बात करते हैं, कुछ की पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे। पहला की पॉइंट क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये ज़रूरी है कि जब भी आप लोगों को रीअरेंजमेंट करवाना है तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर स्टेबल मतलब पहले से अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप लोगों को फॉर्म हो रहा है तभी आप रीअरेंजमेंट करवाओगे, वरना आप लोग रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। देन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, उसके बाद में आप लोगों को क्या देखना है, जो भी ग्रुप माइग्रेट कर रहे हैं, जो भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखिए पहली वाली स्लाइड में मैंने यहाँ CH3 का माइग्रेशन करवाया है, 1,2-methyl शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या करवाया, CH3 का माइग्रेशन करवाया। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप इस माइग्रेशन को जो भी माइग्रेट कर रहे हैं ग्रुप उसके ऑर्डर को पता आपको पता होना जरूरी है कि पहले कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, देन कौन सा। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन तरह के आप लोगों के माइग्रेशन हो सकते हैं, तीन तरह के ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं। पहला हो क्या होगा, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग करवाई थी रीअरेंजमेंट मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि रीअरेंजमेंट चार तरह के होते हैं। तो वहाँ पे एक होता है हाइड्रोजन, देन होता है मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल यानी अल्काइल हो गया आप लोगों के लिए, देन आप लोगों का रिंग एक्सपेंशन होता है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके अलावा क्या होता है, एराइल शिफ्ट भी होता है, एराइल यानी एरोमेटिक कंडीशन, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। एराइल को किसे लिया, एज अ एरोमेटिक कंपाउंड से लिया मैंने, ठीक है। तो ये तीन तरह के तो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, उसके बाद में वो चौथा और पांचवा आप लोगों का क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया, एंड देन क्या हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये पांच तरह के आप देखो तो ओवरऑल आप लोगों के पास आप लोगों को शिफ्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रीअरेंजमेंट होता है इसका ऑर्डर क्या होता है, ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप होते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है कि पहले कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा देन कौन सा करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप लोगों के पास अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बोकेटाइन की अल्फा पोजीशन पे अगर आप लोगों के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, और आप लोगों के पास कोई भी एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे बना दी, तो ये तीन कंपाउंड अगर आप लोगों के पास प्रेजेंट है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है फिर आप लोग क्या देखोगे, एराइल ग्रुप माइग्रेट करेगा यानी एरोमेटिक ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन आप लोगों के पास ये हो गई, देन सेकेंड ये हो गई। अगर ये दोनों ही नहीं है, अगर सिर्फ जो तीनों वैलेंसी या दो वैलेंसी जो भी कहूँ मैं, अल्फा पोजीशन वाली वैलेंसी अगर CH3 से ही कंप्लीट है तो फिर आपकी थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, CH3 ग्रुप आप लोगों का क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो यही है, सबसे पहला कौन सा आ गया, हाइड्रोजन, देन क्या हो गया, एराइल, देन क्या हो गया, एल्काइल। अब आप लोगों को अगर एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं उन्हीं में अगर आप लोगों को कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, देन कौन सा करेगा, देन कौन सा करेगा, तो 3 डिग्री मोर होता है, पहले 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास अल्फा पोजिशन पर अगर 3 डिग्री अगर आप लोगों के पास प्रेजेंट है तो पहले 3 डिग्री करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप के यानी मिथाइल ग्रुप एक तरह से ले लो आप लोग, मिथाइल लगे हुए, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर 3 डिग्री कार्बन पोजीशन है तो 3 डिग्री वाला माइग्रेट करेगा, अगर आप लोगों के पास 2 डिग्री और एक तरफ 1 डिग्री अवेलेबल है तो आप 2 डिग्री वाला करवाओगे, एंड देन लास्ट क्या होता है आप लोगों का 1 डिग्री। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को एराइल में ही अगर आप लोगों को कंपेयर करना है तो एराइल में अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो अगर मान लीजिए आप लोगों के पास जो भी एरोमेटिक रिंग है उस पर एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। विड्रॉइंग का मतलब मैंने बताया था कि वो लेंगे और रिलीजिंग का मतलब वो देंगे रिंग को। तो जब भी वो देंगे रिंग को तो पॉजिटिव के पास ऑलरेडी कमी होती है तो वो रिंग को देंगे तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि रिंग में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी ऑलरेडी, उसमें पाई बॉन्ड है प्लस आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और लगा रखा है तो वो और रिलीज करेगा अपने पास से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही वो रिलीज करेगा तो उसके पास जो टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो गई, और ज़्यादा हो गई, और जैसे ही टेंडेंसी ज़्यादा हुई तो वो क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है यानी जहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले माइग्रेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देन आपके सिंपल ग्रुप अगर सिंपल एरोमेटिक स्ट्रक्चर है आप लोगों की वो करेगा, देन उसके बाद में वो ग्रुप आएंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब आप लोगों को ऐसे ग्रुप भी माइग्रेट करवाने पड़ सकते हैं कई बार कि जैसे मान लीजिए आपको कार्बोकेटाइन है उसके पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है, ऑलरेडी प्लस चार्ज होने की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है,
इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है उसके पास, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है, और आप लोग कौन से ग्रुप को माइग्रेट करवा रहे हो जो और उससे इलेक्ट्रॉन ले, पहले ही वो गरीब है उसको और गरीब बनाना है, तो ऐसे ग्रुप अपन सबसे लास्ट में माइग्रेट करवाते हैं जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता ना इधर के ना उधर के, तब ये ग्रुप इन ग्रुप्स का नंबर आता है। ओके, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, देन एराइल, देन एल्काइल। एल्काइल में कंपेयर करोगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एराइल में कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सिंपल, एंड देन आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। आई होप ये ऑर्डर याद हो गया होगा, और इसी ऑर्डर के बेस पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो भी एग्जांपल है वो इन्हीं ऑर्डर्स के बेस पे है। अब मैंने बात करी थी, हाँ, ड्राइविंग फोर्स भी लगता है रीअरेंजमेंट के थ्रू, कि मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है कि आप लोगों को रीअरेंजमेंट करवाना ही पड़ता है। तो फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सबसे पहला क्या ड्राइविंग फोर्स है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मिल रहा है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का मतलब क्या हो रहा है, जो कार्बोकेटाइन आप लोगों का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ क्या है, सब्स्टिट्यूटेड जुड़े हुए हैं, OH जुड़ा हुआ है, और OH क्या करेगा, अपने जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है उसका डोनेशन कर सकता है और इस कार्बन को स्टेबल कर सकता है। तो ऐसे कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का सिंपल समझ लीजिए मतलब कि कार्बोकेटाइन जो होता है उससे ऐसे ग्रुप लगे हुए होते हैं जो या तो अपने पाई बॉन्ड या कोई जो भी आप लोगों के लोन पेयर है उससे उस कार्बन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, जिसका मैंने नाम दिया था ऑक्सोनियम आयन, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म हुआ था। ओके, सेकेंड अपना ड्राइविंग फोर्स है, द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रीअरेंजमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल आपके पास क्या मिल रहा है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, आप लोग एक बार यही देख लीजिए, हमने क्या किया था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवाया था, जैसे ही रीअरेंजमेंट हुआ था ऑक्सीजन की हाइड्रोजन निकली थी और यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ था, जब हम क्रिएट हुआ था जब हमने पिनाकोल और पिनाकोलोन पढ़ा था। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, अब आप लोग देखिए ये स्टेबल हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है, यानी यहाँ पे जब डबल बॉन्ड था, यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को मिल रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, फर्स्ट है रेजोनेंस की वजह से, ओनली रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, रेजोनेंस भी मिल रहा है और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो चीज़ें अगर आप लोगों को मिल रही है, तो दो अलग अलग मोर स्टेबिलिटी की अगर आप लोगों को चीज़ें मिल रही है, तो आप लोग वो प्रेफर करोगे बजाय लेस स्टेबल के लिए। तो हमेशा रीअरेंजमेंट तभी करवाते हैं जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है, रिएक्शन है आप लोगों के सामने। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है, एसिडिक मीडियम का मतलब H2SO4 दे रखा है, PTSA दे रखा है, सॉरी SA, ठीक है, PTSA ये आप लोगों को मैंने दे रखा है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करवाएगा, एसिडिक मीडियम में H+ प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, यानी एक लिविंग ग्रुप बनाएगा। अब बात कर रहे हैं हम कि लिविंग ग्रुप कहाँ बनेगा, क्योंकि डाईऑल है आप लोगों के पास, OH यहाँ पे भी और OH यहाँ पे भी है। अब बात कर रहे हैं कि लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, तो आप लोगों को मैंने बता रखा है कि लिविंग ग्रुप वो बनेगा जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा प्रोवाइड होगी इसको, यहाँ देखिए यहाँ दो फेनिल ग्रुप है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड होगी। तो जैसे ही ये लिविंग ग्रुप बना, यानी जैसे ये H2O- हुआ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप लोगों का कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। ये आप लोगों का ड्राइविंग फोर्स है, इस वजह से क्या हो रहा है, मिथाइल का शिफ्ट हो रहा है। अब मिथाइल ही क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैंने ऑर्डर बता रखा था हाइड्रोजन, देन एराइल, देन एल्काइल, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही अगर मैं ग्रुप देखूँ तो दोनों ही क्या है, एल्काइल एल्काइल, यानी CH3 CH3, तो कोई सा भी CH3 आप माइग्रेट करवा सकते हो। आपने ये वाला CH3 माइग्रेट करवाया है यहाँ पे, तो आप लोगों को 1-2 मिथाइल शिफ्ट हुआ। 1-2 मिथाइल शिफ्ट के बाद में यहाँ क्या मिला आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर रहा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो स्टेबल कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्लूड हुआ लोन पेयर, जैसे ही वहाँ पे क्या, तब क्या हुआ, -H+ बाहर निकला, H एज ए प्लस की फॉर्म में अपना, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर उसको बाहर निकला। और जैसे ही बाहर निकला तो आप लोगों को अल्कोहल से कौन सा फॉर्म मिला, आप लोगों को कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप प्राप्त हुआ,
क्या मिला आप लोगों को, अल्कोहल से क्या मिला या डाइऑल से क्या मिला आप लोगों को, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिला। ओके, ये एग्जांपल था। अब आ जाते हैं, एक दो रिएक्शंस कर लेते हैं, पता चल जाएगा हम लोगों को कि हमें कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये इसका आंसर है, आंसर लेके आना है, मैकेनिज्म पे चलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म समझते हैं क्या हो रही है। वैसे समझ में आ रही होगी, एरो की वजह से शो हो रही है आप लोगों को। CH3 लिया, H लिया, OH लिया, फिर यहाँ पे CH3 फिनाइल OH एंड मिथाइल ग्रुप। उसके बाद में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया। एसिडिक मीडियम क्या डिसाइड करेगा कि उसको अटैक कहाँ करना है, उसको अटैक करना है यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ में फिनाइल और एमी दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं और उसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि बेस्ट आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड शो करता है आप लोगों को। है जो हाइड्रोजन है, देन फिर क्या होता है, एराइल होता है, देन एल्काइल होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से अटैक कहाँ हुआ आप लोगों का, इस OH पे हुआ, इस डाइऑल पे हुआ। ठीक है, जैसे ही अटैक हुआ आप लोगों को क्या फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन देन OH फेनिल, यहाँ आप लोगों के बना ही है, राइट। उसके बाद में मिथाइल सेम बना, H2O बेस्ट लिविंग ग्रुप है, फिर क्या किया, माइनस H2O। जैसे ही माइनस H2O आप लोगों को क्या मिला, कार्बोकेटाइन मिल गया, PHME पॉजिटिव चार्ज OH कार्बोकेटाइन मिला। इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कैसे होगा आप लोगों को दिखा रही हूँ, 1, 2 अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो आप रीअरेंजमेंट करवाओगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1, 2 हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी। जैसे ही ये शिफ्टिंग हुई आप लोगों को क्या मिला, CH3C, यहाँ कम हो गई कार्बन की वैलेंसी, देन CPHMEH and OH। अब क्या होगा, ये लोन पे यहाँ पे इंक्लूड होंगे और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, माइनस एच प्लस, राइट। जैसे ही मिला यहाँ पे क्या आया आप लोगों के लिए, सी डबल बॉन्ड ओ, सी PHMEH। ओके, तो आप लोगों को क्या मिला, 1, 2 डाइऑल से क्या मिला आपको, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप। ये तो ये इसकी हो गई मैकेनिज्म। आई होप समझ में आ गई होगी। कार्बोनाइल आप लोगों का मामला कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, तो ये छोटी सी इसकी मैकेनिज्म थी। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो आपको रीअरेंजमेंट पॉसिबल करवाना है, रीअरेंजमेंट परफॉर्म करवाना है। ओके, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर में, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। सेम मैंने प्रोडक्ट लिया, सॉरी रिएक्टेंट लिया, PH PH OH OH। अब एक चीज़ याद रखिए, जब भी एसिडिक मीडियम आप दे रहे हैं तो आप लोगों को क्या दे रहे हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलना चाहिए आप लोगों को, फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर मैं अटैक यहाँ करवाती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जब H2O बाहर निकलेगा। जैसे ही H2O बाहर निकला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिला और ये 5 मेंबर रिंग के बाहर है, तो रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, यानी मोर स्टेबल है। बार अगर अटैक मैं यहाँ करवाती हूँ इस जगह, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो इसके बाद में कोई रिंग एक्सपेंशन यानी कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप प्रेफर साइड क्या हो गई आप लोगों की, ये जैसे ही आपने अटैक करवाया आप लोगों को क्या मिला, इथाइल ग्रुप आया, PH PH, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, ये OH यहाँ। ठीक है, जैसे ही आया ये यहाँ से लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस H2। जैसे ही माइनस H2O हुआ, यहाँ पे क्या मिला आप लोगों को, PH PH OH ME। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा।
ठीक है, जैसे ही रिंग एक्सपेंशन हुआ तो 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, इसके बाद में ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो मिथाइल अगर 1 पोजीशन पे है, अगर ये 1 पोजीशन पे मिथाइल है, तो आप लोगों के 2 पोजीशन पे 2 फिनाइल ग्रुप आ जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ लगा दिए, फिनाइल ग्रुप आप लोगों के लगा दिए, ठीक है। अब 2 पोजीशन पे ये, 3 पोजीशन पे आप लोगों का क्या है, ये OH है, आप लोगों ने OH लगा दिया। अब क्या हो रहा है, 1 और 2 पोजीशन जो 5 मेंबर रिंग में थी, 1 और 2 पोजीशन अगर मैं बोलूँ, ये वाली पोजीशन का बॉन्ड टूट रहा है, तो इसके और इसके बीच में तो बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन इसकी वैलेंसी कम हो गई, तो जिस पे OH लगा हुआ है उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, इसके लोन पेयर से, इसने यहाँ पे लोन पेयर डोनेट किए और H प्लस एज अ हाइड्रोजन एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकल गया। उसके बाद में क्या आया आप लोगों का, ये वाला ग्रुप आप लोगों को दिख गया, वो बी नहीं है, एच है, फिनाइल, ठीक है। तो इस तरह से आप रीअरेंजमेंट के थ्रू आप लोग पूरी प्रोसीजर करवा सकते हो। बस याद रखना कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो ही रीअरेंजमेंट होगा, वरना रीअरेंजमेंट नहीं करवाना। अगर यहाँ पे मेरे को मोर स्टेबिलिटी नहीं दिख रही होती तो मैं रीअरेंजमेंट परफॉर्म नहीं करवाती, ओके। सेम ऐसा ही अगले एग्जाम्पल में देखो, 2 रखे हैं, सेम ग्रुप है, कहीं पर भी अटैक करवा सकते हो। अगर दोनों रिंग सेम है, 5 मेंबर यहाँ है, 5 मेंबर ही यहाँ है, दोनों रिंग सेम है, तो आप कहीं पर भी अटैक करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक 5 मेंबर होती और एक 6 मेंबर होती, तो आप अटैक कहाँ करवाते, तब आप अटैक कहाँ करवाते, एक 5 मेंबर रिंग है आप लोगों के पास और एक आप लोगों के पास 6 मेंबर रिंग है, राइट। यहाँ पे भी वही ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी वही ऑक्सीजन है। अब याद रखिएगा, 5 मेंबर के बाहर अगर प्लस चार्ज आएगा आप लोगों के लिए, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा रिंग एक्सपेंशन से, तो आप अटैक कहाँ करवाते हैं, 6 मेंबर वाले ऑक्सीजन के पास, OH के पास, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी बनता रहता है, हम आगे से आगे करते रहते हैं, और उसके बाद में कि इनोल, ये जो डाइऑल फॉर्म है, जो कार्बोनाइल फॉर्म है, वो बन जाती है, और लास्ट में आप लोगों के पास प्रोडक्ट आ जाता है, एक 6 मेंबर आ जाता और एक 5, दोनों 6 मेंबर आ जाते। तब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक 5 मेंबर आ रहा है, एक 6 मेंबर आ रहा है, वहाँ पे दोनों 6 मेंबर हो जाते, ठीक है। सब इतना सा ध्यान रखना है, ड्राइविंग फोर्स का पता लगना है और कुछ भी नहीं है, रिएक्शन हो जाएगी आप लोगों से। ये सिर्फ इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जमा के लिख दिया है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जमा के लिख दिया है, थोड़ा सा इसको घुमा दो, जैसे ही आप लोग इसको घुमाओगे प्लेन में, आप लोगों को 6 मेंबर दिख जाएगी, ठीक है। नहीं दिखे तो 1, 2, 3 आप लोग नंबरिंग कर सकते हो, आप लोगों को नंबरिंग के अकॉर्डिंग 6 मेंबर दिख जाएंगे। अब बात करते हैं, ये दो कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड एक बार पूछे गए हुए हैं, ये वाला एग्जाम्पल आया हुआ है आप लोगों का एग्जाम में। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही 4 मेंबर रिंग है, वही हाइड्रोजन का अटैक हुआ, वही H2 बाहर निकला, उसके बाद में क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, तो क्या हुआ, रिंग का एक्सपेंशन हुआ, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो गई, OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, OH ने अपने लोन पेयर दिए, लोन पेयर की वजह से स्टेबल हुआ और H प्लस इसे बाहर निकल गया, यहाँ पे माइनस H प्लस यही निकल जाता है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ गया, यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। सेम ऐसा ही इसके पास हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, एक ही कंपाउंड में 2 जगह दे रखा है, अगर यहाँ पे और भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता इस जगह या इस जगह, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर और भी सब्सिट्यूएंट जुड़े हुए होते तो हम उस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, लेकिन आप लोग देखिए दोनों की स्ट्रक्चर बराबर है, अगर दोनों मतलब इक्वली अगर आप पार्ट में डिवाइड करो तो दोनों की स्ट्रक्चर बराबर है, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, तो यहाँ H प्लस का अटैक कहीं भी करवा सकते हो, चाहे इस वाले कार्बन पर करवाओ, चाहे इस वाले पे करवाओ, मतलब इसके ऑक्सीजन पे करवाओ या इसके ऑक्सीजन पे करवाओ, बात एक ही है। जैसे ही अटैक हुआ, H2O बाहर निकला, H2O के बाद में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आया प्लस चार्ज, रिंग पर आया है, रिंग के बाहर नहीं आया, रिंग पर आया, तो रिंग पर आने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ना कि एक्सपेंशन हो रहा है। रिंग क्या कर रही है, छोटी हो रही है, टूट रही है रिंग। जैसे रिंग टूटी, क्या मिला आपको, 3 मेंबर रिंग मिली, और 3 मेंबर रिंग क्या करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा हुआ, अब लगा लेना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर करेगा और डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप आप लोगों को मिल गया, क्या मिला,
जब सेम रिंग है तो रिंग का एक्सपेंशन भी हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकता है. तो यहाँ रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रेक्शन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा. दो तरफ फिनाइल है, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ ये फिनाइल के साथ OMe जुड़ा हुआ है, एक सब्सिट्यूएंट एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है. मैंने ये अटैक यहीं क्यों करवाया, इसकी वजह देखिए. अगर मैं अटैक यहाँ करवाती हूँ तो यहाँ क्या है, रेजोनेंस है. क्या है यहाँ पे, रेजोनेंस है. लेकिन अटैक अगर मैंने यहाँ पे करवाया तो ये प्लस चार्ज जो यहाँ बना है, जो कार्बोकेटाइन आप लोगों का यहाँ बना है, वो किसके किसके थ्रू स्टेबल है, एक बार आप लोग देखिए. अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर को ऐसे कर देती हूँ तो रेजोनेंस हो रहा है, फिर रेजोनेंस हो रहा है, उसके बाद में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है. तो दो चीज़ें आप लोगों की प्रायोरिटी में आ रही है, रेजोनेंस प्लस सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन. तो ये मोर स्टेबल हो गया बजाय इसके, तो ये क्या हो गया, ये लेस हो गया और ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया. इसलिए मैंने कहाँ करवाया है, इससे एच प्लस का अटैक कहाँ करवाया, इसके ऊपर करवाया. जैसे ही इस पर अटैक हुआ, H2 एज अ लिविंग ग्रुप निकला बाहर. जैसे ही बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज आया, उसके बाद में क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ. यानी जो फाइनल ग्रुप है वो क्या हुआ, रीअरेंजमेंट. 1, 2 आप इसको एराइल बोल सकते हो या फिनाइल शिफ्ट भी बोल सकते हो. ठीक है, रीअरेंज हुआ, उसके बाद में आप लोगों को ये स्ट्रक्चर मिली. और ये स्ट्रक्चर कहाँ से स्टेबल है, इस के डोनेशन से, इस लोन पेयर के डोनेशन से स्टेबल हो जाएगी. और माइनस एच प्लस आप लोगों के मार्क पर गया. ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. बस यहाँ पे आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है, जो भी होता है, हाइड्रोजन देन एराइल देन एल्काइल. ठीक है, बस इतना सा याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना. गाइज, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ 1,2-diol. 1,2-diol क्या है, सबस्ट्रेट ऑफ पिनाकोल एंड पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट है. जो ये रीअरेंजमेंट होता है उसका क्या है, सबस्ट्रेट है आप लोगों के पास. आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा आपको 1,2-diol. ये किस किस से बनाया जा सकता है, कौन कौन सी प्रिपरेशन से बनाया जा सकता है, तो एक बार के लिए आप डायरेक्ट देखिए. जब इन प्रिपरेशन की बात आएगी तब हम इनकी मैकेनिज्म भी समझेंगे. अगर एल्कीन के थ्रू बन रहा है तो वो कौन कौन से रिएक्शन के थ्रू बन सकता है, वुडवर्ड रिएक्शन. जिसमें हम लोगों ने आयोडीन लिया है, और क्या लिया है, सिल्वर एसिडेट लिया है, जो कि एक्वस में लिया है. ठीक है, उसके अलावा प्रीवॉस रिएक्शन होती है जिसमें आयोडीन होता है और वही सिल्वर एसिडेट होता है प्लस हाइड्रोलाइसिस होता है. पर ये जो सिल्वर एसिडेट होता है वो नॉन एक्वस होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में होता है. ठीक है, उसके बाद में ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और हाइड्रोलाइसिस. देन आपकी फोर्थ कंडीशन आ जाती है H2O2 या सेलेनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या सेलेनियम ऑक्साइड. देन आपकी आ जाती है फिफ्थ कंडीशन, आपकी आती है बेयर्स रिएजेंट, यानी 1% एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में. ठीक है, अगर ये आप लोगों को दिख रही है रिएक्शन, यानी ये रिएजेंट्स अगर आप लोगों को एरो पे दिख रहे हैं, हो सकता है आपको बना बनाया दे दे या आपको बनाना पड़े. तो अगर बनाना पड़ेगा तो एल्कीन से इस तरह से बनेगा, इन रिएक्शंस को फॉलो करने के बाद में आप लोगों को 1,2-diol मिलेगा. या अगर आप लोग कीटोन, यानी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन किस में होती है, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप में. किसमें होती है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है ये कार्बोनाइल फंक्शन में. अगर आप लोगों को ये दे रखा है और आप लोगों को एरो के ऊपर मिल रहा है मैग्नीशियम अमलगम प्लस H2O, इसका मतलब क्या होता है, पिनाकोल रिडक्शन होता है या बायोमोलिकुलर रिडक्शन भी आप लोग बोल सकते हैं. तो इसके 2 मोल यूज में आते हैं और इससे आप लोगों को क्या मिलता है, 1,2-diol. तो ये 2 conditions है और कुछ रिएक्शन है जिनकी वजह से आप लोगों को डायोल बन, अगर आपको बना बनाए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हुआ मिले तो आप बना सकते हो. एल्कीन की प्रेजेंस में आप लोग ये सारे कैटलिस्ट की यूज़ कर सकते हो और आप लोग डायोल का फॉर्मेशन कर सकते हो. या फिर आप लोग क्या दे सकते हो, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप के 2 मोल देकर आप लोग क्या कर सकते हो, मैग्नीशियम अमलगम
H2O, यानी पिनाकोल रिडक्शन का यूज करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, डायोल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बेसिकली रिएक्शन है। जब हम वुडवर्ड या प्रीवॉस्ट ये जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब हमारे पास इसकी मैकेनिज्म भी आ जाएगी, तब हम समझ जाएंगे, हम समझ सकेंगे कि डायोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। पर अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर बना बनाए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बनाने की ज़रूरत हो तो एल्कीन से भी बना सकते हैं और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बना सकते हैं वो देखिए। मैंने ले लिया ये कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, ले लिया आप लोगों के सामने, मैंने मैग्नीशियम अमलगम ले लिया और H2O ले लिया। इसके प्रेजेंस में ये दो मोल लेते हैं, इसके बायोमोलिकुलर होता है ये, दो मोल लिए हमने और दो मोल कैसे जुड़ गए, एक बॉन्ड से जुड़ गए जिसमें आप लोगों को क्या मिला, 1,2-diol। इसकी रिएक्शन की रिएक्शन जो डिटेल है वो बाद में पढ़ेंगे, बाद में मैकेनिज्म आएगी, नेम रिएक्शंस में ही आएंगी आप लोगों की। जब ओवरऑल सारी नेम रिएक्शन इंटरमीडिएट की हो जाएगी उसके बाद में जो बच जाएगी नेम रिएक्शन उसमें आएगी, तब हम सीख लेंगे, हम वहाँ पे मैकेनिज्म देख लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, अगर मैग्नीशियम अमलगम दे रखा होता है या प्रीवॉस्ट होता है, वुडवर्ड होता है, तो कैसे कैसे प्रीवॉस्ट अगर वुडवर्ड अगर ये दोनों आते हैं तो एल्कीन से बनाना होता है, मैग्नीशियम अमलगम आता है तो कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप का आपको यूज़ करना है, बायोमोलिक्यूल यूज़ करने हैं उसके। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक होता है पिनाकोल और पिनाकोलोन होता है एक सेमी पिनाकोल, वहाँ क्या होता है डाईऑल दिए हुए होते हैं, 1,2-diol दिया हुआ होता है। आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को एसिडिक मीडियम का जो H+ है उसका अटैक कहाँ करवाना है, कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना है, मतलब आप लोगों को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का भी वहाँ ध्यान रखना होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही आप लोगों को अल्कोहल मिलता है और उसके साथ क्या मिलता है, आप लोगों को लिविंग ग्रुप मिलता है। मतलब आप लोगों को क्या करना है, लिविंग ग्रुप वाली पोजिशन पर अटैक करवाना, पहले तो लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना होता है और फिर उसके बाद में जो भी रीअरेंजमेंट होता है वो पॉसिबल करवाने होते हैं, उसके बाद में आप लोगों को जो कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है उसका उसका फॉर्मेशन करना होता है। तो बेसिकली अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सके तो यहाँ एग्जांपल है, एक कोई लिविंग ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, ClBrI भी हो सकता है, नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है, NH2 भी हो सकता है, OTS भी हो सकता है। तो ये हर के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर हेलोजन आप लोगों के पास होगी तो यहाँ पे सिल्वर प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन होगी तो हीट प्रेजेंट होगा, NH2 होगा तो HNO2 प्रेजेंट होगा, और ऑस्मियम टॉसाइलेशन अगर प्रेजेंट होगा तो आप लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा या वीक बेस होंगे कोई से भी, प्लस हीट होगी आप लोगों के पास। तो ये अलग 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 आप लोगों की कंडीशंस है। जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर निकला आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आप लोगों ने क्या करा, माइग्रेट करवाया कोई से भी एक, कोई सा भी एक ले लो, जैसे ये वाला CH3 ले लो चाहे ये CH3 ले लो, बात बराबर ही है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, ये क्या होती है, जब मिथाइल की या एथाइल की जो भी शिफ्टिंग होती है ना, तो वो अगर रीअरेंजमेंट अगर फॉर्म होता है तो वो कौन सी स्टेप होती है, स्लो होती है, RDS होती है। RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, एनाइनोट्रॉपिक होता है या न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का वही कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप आप लोगों को मिल जाता है, मोर स्टेबल। ठीक है, तो जैसा पिनाकोल पिनाकोलों ने वहाँ पे डाईऑल दे रखे होते हैं और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप दे रखा होता है, बाकी इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब प्रिपरेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब इसका सबस्ट्रेट कैसे बन सकता है, एल्कीन के थ्रू ही बनता है इसका सबस्ट्रेट। एल्कीन में ये कुछ रिएक्शंस है, अगर ये रिएक्शंस अगर आप लोगों के, ये कैटलिस्ट अगर आप लोगों के सामने आ जाते हैं तो आप लोग जो भी है सेमी पिनाकोल पिनाकोलन का क्या बना सकते हो, सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन कर सकते हो, यानी एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे लग सकता है। ओके, इफ अनसिमेट्रिकल एपॉक्साइड आर यूज्ड, अगर अनसिमेट्रिकल एपॉक्साइड रिंग अगर यूज हो रही है, एपॉक्साइड रिंग यहाँ पे लगा दे, रिंग आर यूज देन रिंग ओपनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। तब क्या होगा, अगर रिंग की ओपनिंग करवानी होगी तो कहाँ से करवाओगे, लेस हिंडर्ड साइड से, यानी जहाँ कम, जहाँ पे आबादी कम है वहाँ से हम अटैक करवाएंगे, जहाँ पे ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं वहाँ से अटैक नहीं करवा के, जहाँ से जहाँ पे ग्रुप बिल्कुल बहुत कम जुड़े हुए हैं वहाँ पे अटैक करवाएंगे और रिंग की ओपनिंग करवा देंगे, जैसे कि नीचे करवा रखा है। यहाँ पे अटैक हुआ इस कार्बन पे, यहाँ पे दोनों मिथाइल है,
अगर रिंग को देखोगे तो इपॉक्साइड रिंग कैसे होती है, अगर प्लेन में देखोगे तो एक ऊपर और एक नीचे की तरफ आप लोगों के मिथाइल होगा, तो अटैक ऊपर और नीचे से यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से अटैक होगा और जैसे अटैक होगा रिंग की ओपनिंग हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन के ऊपर वापस क्या चल जाएगा, उसका बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ वापस ले लेगा, और जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिया माइनस आया और यहाँ पे अगर सोडियम दे रखा है तो सोडियम ऐसा प्लस फॉर्म में रहता है तो Na ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करेगा। उसके बाद में हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, उस जैसे LiAlH4 लिया उसके बाद में क्या हुआ, ये यहाँ से रिमूव हुआ और हाइड्रोजन का अटैक हुआ और OH की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे सब्सिट्यूएंट मिल जाएगा। ठीक है, OH मिल गया आपके सामने, यहाँ लिविंग ग्रुप आ गया, जैसे ही लिविंग ग्रुप आया लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, आपका कार्बोकेटाइन मिलेगा, आप रीअरेंजमेंट करवाओगे, रीअरेंजमेंट के बाद में आप लोगों को स्टेबल फॉर्म में आप लोगों को कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। गाइस समझ में आ गया होगा, ये छोटी सी रिएक्शंस है, बस रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है। पिनाकॉल और पिनाकोलन एक जैसी होती है, पिनाकॉल होगा तो डाईऑल मिलेगा और सेमी पिनाकॉल और पिनाकोलन होगा तो आप लोगों को लिविंग ग्रुप मिलेगा, और अगर लिविंग ग्रुप हो सकता है बना बनाया मिल जाए, और हो सकता है बनाना पड़े तो बनाना पड़े तो भी हमें आता है, और बना बनाया मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, होप करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं करा हो तो जल्दी से शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।